अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको मार्क्स बताने जा रही हूँ वो है आपके बालों की ग्रोथ के लिए। अगर आपके बालों की ग्रोथ जो है वो रुक चुकी है और आपने बालों को लंबा करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो परफेक्टली आपके लिए है। बताने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए चलते हैं आज के मार्क्स की फर्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इस मास्क में यूज़ करना है वो है कैस्टर ऑयल, जिसे उर्दू में हम रोगन अरंड कहते हैं। ये आपको किसी भी पंसार के स्टोर से मिल जाएगा, वरना सुपरमार्केट से भी आपको ये इजीली मिल जाता है। कैस्टर ऑयल ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये बालों की ग्रोथ को बहुत स्पीड अप कर देता है, आपके बालों के जो हेयर फॉल हो रहा होता है उसे भी कम कर देता है। अमूमन हेयर लॉस की वजह से क्या होते हैं, अमूमन हमारे बालों की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपके बालों की ग्रोथ करवाएगा और आपके हेयर लॉस को भी रोकेगा। उसके अलावा ये क्या करता है, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ये आपके बालों को सिल्की एंड सॉफ्ट कर देता है। तो आपने जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स में यूज़ करना है वो है कैस्टर ऑयल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है प्याज का पेस्ट। प्याज जो होता है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ये हम सबके किचन में अवेलेबल होता है, तो क्यों ना हम इसे अपने बालों की ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकें। प्याज की एक क्वालिटी पाई जाती है कि इसके अंदर जो है सल्फ़र का बहुत अच्छा सा कंटेंट होता है, जो कि हमारे बालों की रिक्वायरमेंट होता है। अगर आपको जब भी सल्फ़र की ज़रूरत पड़े अपने बालों के लिए तो आपने अनियन को हमेशा अपने माइंड में रखना है। सल्फ़र जो होता है आपके बालों की ग्रोथ करवाता है, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये आपके स्किन सेल को प्रमोट करता है आपके, ताकि वो जो है बालों की ग्रोथ को स्टार्ट कर सके। जब आप जो है इसको अपने स्कल्प पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जितने भी आपके स्कल्प के सेल हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो बालों की ग्रोथ को स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आपने इसको पेस्ट की फॉर्म में लेना है। पेस्ट बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने एक मीडियम साइज़ का प्याज लेना है और उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना है ताकि आपके पास एक पेस्ट आ जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बहुत ही सिंपल मार्क्स है, जस्ट टू इंग्रेडिएंट आपने यूज़ करने हैं और आपके बालों की ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आपने बालों को लंबा करना चाह रहे हैं या आपके बाल जो हैं वो कहीं ना कहीं से ख़त्म हो रहे हैं, यानी आपकी स्कल्प नज़र आना शुरू हो गई है, दोनों चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है ये। सिंपली आपने अनियन का पेस्ट बनाना है और आपने कैस्टर ऑयल लेना है। अब आपने क्या करना है, आपने एक मीडियम साइज़ अनियन का पेस्ट बना लेना है और उसके बाद आपने उसके अंदर जो है 2 टेबलस्पून जो है कैस्टर ऑयल को ऐड करना है, यानी एक मीडियम साइज़ अनियन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल आपने यूज़ करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चलिए जी, ये देखिए मैंने अनियन के पेस्ट के अंदर जो है कैस्टर ऑयल जो है 2 टेबलस्पून ऐड कर लिया है। ये आपको जो नज़र आ रहा है ये कैस्टर ऑयल है। अब मैं इसे इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब आपने अपने स्कल्प के ऊपर पहले अच्छे से अप्लाई करना है और उसके बाद आपने अपने पूरे बालों के स्टैंड पे इसको अप्लाई कर लेना है। आपने अपनी टूर से लेके के बिल्कुल टिप तक जो है आपने अपने बालों में अच्छे से जो है इस मार्क्स को अप्लाई कर लेना है। 1 आवर के लिए आपने अपने हेयर पे इस मार्क्स को लगे रहने देना है। 1 आवर के बाद आप अगेन जो है बड़ी सॉफ्टली और लाइटली हैंडली जो है अपने फिंगर का यूज़ करेंगी और अपने स्कल्प पे मसाज करेंगी। फिंगर के साथ मसाज करनी है, ज़्यादा ज़ोर अप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल सॉफ्टली जो है अपने स्कल्प पे आप मसाज करेंगी और आपने भी अपने बालों को वॉश कर लेना है टैप वाटर के साथ। कोई भी शैम्पू यूज़ करें उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस मास्क को एटलीस्ट वीक में आपने 2 टाइम यूज़ करना है ताकि आपके बालों की ग्रोथ स्टार्ट हो सके और आपको जो है लंबे खूबसूरत बाल मिल सके। आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है और अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा।